हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सीएसएस की इनलाइन स्टाइल शीट की कोडिंग सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो सीएसएस को लेकर के है। सीएसएस तीन तरीकों से कोडिंग सीएसएस की करी जाती है, जिसमें इनलाइन भी एक मेन जो है टाइप की कोडिंग है, और इनलाइन के बारे में आज हम देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना वीएस कोड ओपन करते हैं और वीएस कोड पर ही हम कोडिंग करने वाले हैं। तो यहाँ से ये वीएस कोड हमने ओपन किया है, देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर चाहे तो हम एक नई फाइल बना सकते हैं। तो पहले तो इन फाइल्स को क्लोज कर देते हैं। यहाँ से ये ओपन हुआ है, इसको भी क्लोज कर देते हैं और यहाँ से एक न्यू फाइल लेते हैं। तो एक टेक्स्ट फाइल हम बना रहे हैं और इसी टेक्स्ट फाइल मतलब ये ही जो है इनलाइन स्टाइल शीट की कोडिंग है। अब मैं यहाँ पे जो लिखूंगा वही इनलाइन स्टाइल शीट की कोडिंग है। देखिए आप यहाँ पर चाहे तो कमेंट लगा सकते हैं, कमेंट पता ही आपको, ये एक्सक्लेमेशन लगा करके कमेंट लिखा जाता है। तो यहाँ पे डॉक टाइप लिख दिया तो ये बताया जाता है कि डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइप हमने HTML रख दिया और फिर यहाँ पर HTML से आपको स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर HTML से स्टार्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पर हेड लिखते हैं, HEAD हेड हो गया। फिर यहाँ पर टाइटल लिख देते हैं तो ये टाइटल हो जाएगा। तो टाइटल में हम क्या देना चाहते हैं, तो जो टाइटल में देना चाहते हैं वो हम दे देते हैं। जैसे हम दे देते हैं इनलाइन स्टाइल शीट ऑफ CSS, स्टाइल शीट ऑफ CSS। तो ये हमने CSS दे दिया। और जब ये दे देंगे तो यहाँ पे हेड को और टाइटल को क्लोज कर देना होगा, जो कि ऑलरेडी हमने क्लोज कर रखा है। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे। अब यहाँ पर हम कौन सा टैग इस्तेमाल करने वाले हैं, यहाँ पर हम बॉडी टैग नहीं लगाएंगे। ठीक है, सीधा सीधा हम स्टाइल टैग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, स्टाइल टैग, STYLE स्टाइल यूज किया। और यहाँ पे क्या लगा देंगे, H1 लगा देंगे इस तरीके से। और ब्रैकेट को यानी कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने किया हुआ है। पहली बार में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड और यहाँ पे दे देते हैं कलर। और बैकग्राउंड कलर हम कौन सा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ग्रीन रख देते हैं। तो ये ग्रीन कलर का बैकग्राउंड हमने दे दिया। आप चाहे तो कोड लेके आ सकते हैं, यहाँ पे कोड भी आपको देखने को मिल जाता है। इस पर अगर क्लिक करेंगे और कोई डिफरेंट कलर चूज करते हैं तो देखिए यहाँ पर कोड ऑटोमेटिक आ जाता है। ये विजुअल स्टूडियो कोड जो हमने डाउनलोड किया है, इससे ये काफी काम हमारा इजी हो जाता है। अगर आप वेब डेवलपर हैं तो विजुअल स्टूडियो कोड को यूज कीजिए, काम बड़ा आसान हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये तो हमने H1 लगा दिया, आप चाहे तो H2 भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे लगाएंगे div टैग। कौन सा टैग लगाएंगे, div टैग, काफी ज्यादा div टैग का भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे लगा दिया है div टैग और यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर देते हैं। तो ये दे दिया हमने बैकग्राउंड और डैश लगा के लिखा कलर। कलर की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, जो मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल वही होनी चाहिए, इससे अलग कलर की स्पेलिंग आप मत लिखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मैं ये कलर ले लेता हूँ, ये सैंडी ब्राउन करके है, ये कलर मैं ले लेता हूँ। और यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे, यानी टर्मिनेशन जब तक नहीं देंगे तब तक ये लाइन खत्म हो गई, ये ब्राउजर को आपके पता नहीं चलेगा, ये प्रोग्राम रन होगा तो चल नहीं पाएगा ठीक से। तो ये हमने कर दिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर आना है, यहाँ पे डिप टैग जहाँ क्लोज हुआ है उसके ठीक नीचे आ जाइए। हम एक बार पैराग्राफ भी लगा ही लेते हैं। तो ये पैराग्राफ लगा दिया हमने, और पैराग्राफ लगा करके फिर यहाँ पर भी हमें बैकग्राउंड कलर देना है। तो ये दे दिया बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा BACKGROUND बैकग्राउंड और यहाँ पे कलर, तो ये हो जाएगा बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर में कौन सा कलर आपको यूज करना है वो आपको देना है। ठीक है, तो जो भी कलर आप यूज करते हो बैकग्राउंड में वो आप दे दीजिएगा। तो बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे ब्लू रख दिया है, देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब क्या करना है, अब काम हो गया है। अब यहाँ पर हमको स्टाइल टैग को क्लोज करना है, जो कि ऑलरेडी हमने क्लोज कर रखा है। ठीक है, लेकिन अब चूंकि H1 हमने यहाँ पे दिया है तो H1 में कुछ लिखना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे H1 आकर के कुछ लिखते हैं, जैसे हेलो वी आर लर्निंग CSS, LEARNING लर्निंग CSS, CSS यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो ये लिख दिया H1 में, लेकिन यहाँ पे div टैग भी दिया गया है। ठीक है, तो div में क्या आएगा, तो यहाँ पे div दे देता हूँ, div div टैग लगा देता हूँ। और यहाँ पे लिख देता हूँ CSS stands for cascading style sheet, ये हो गया। और div टैग को क्लोज कर दिया, और क्लोज करके क्या करेंगे, जैसे ही क्लोज करेंगे तो क्लोज करके और फिर जो है यहाँ पर div टैग को हम क्लोज नहीं करेंगे, नीचे इसके आते हैं। ठीक है, क्लोज तो नीचे हो ही गया है, लेकिन इसके नीचे आते हैं, इसी के अंदर हम पैराग्राफ भी यूज कर लेते हैं। तो ये पैराग्राफ टैग लगा दिया हमने, और पैराग्राफ टैग लगा करके इसमें कुछ लिख देते हैं, कुछ टाइप कर देते हैं, जैसे HTML stands for hyper text markup language, ये हमने दे दिया।
और ये देकर के आप डिव टैग को नीचे क्लोज करिएगा। देखिए जैसे मैंने क्लोज किया बिल्कुल वैसे ही आपको भी कर देना है, ठीक है। अब इस फाइल को सेव करना है, तो इसको हम एक फोल्डर में सेव करेंगे, तो हम एक फोल्डर बना भी लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, हम एक फोल्डर बनाते हैं। ये डेस्कटॉप है हमारा और इसी के अंदर मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है, HTML प्रोग्राम के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ HTML प्रोग्राम PROGRAMS, तो ये हो गया HTML प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्राम की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, डबल एस हो गया प्रोग्राम, ठीक है, ये हो गया। तो HTML प्रोग्राम के अंदर ही हम इसे सेव करेंगे और जब भी देंगे तो .html एक्सटेंशन के साथ ही हम सेव करेंगे। div.htm लगाइए या html भी लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पे div.html के नाम से हमने सेव किया। अब जब इसको चलाना है तो आप यहाँ से भी चला सकते हैं, आप उस फोल्डर में जाके भी चला सकते हैं और यहाँ से भी चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आकर के ओपन विद डिफॉल्ट ब्राउजर पे चले जाइए। जब जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके इसका आउटपुट भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार का आउटपुट ये रहा। तो देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार का आउटपुट रहा है जो कि आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा, ठीक है। इसे कहते हैं इनलाइन स्टाइल शीट। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी कि इनलाइन स्टाइल शीट को कैसे यूज करना है। देखिए यहाँ पे लर्निंग की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो आप यहाँ पे जाके सही कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पर ये हो गया और अब इसको दोबारा से सेव कर लेते हैं, ठीक है। आप इसमें और भी चीजें बढ़ा सकते हैं, जैसे अगर आप हेडिंग 2 देना चाहते हैं इसमें और उसके ऊपर भी बैकग्राउंड कोई ना कोई लगाना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। कैसे देंगे, यहाँ पर पहले कोड विंडो पे आएंगे अपने, ठीक है। ये जैसे देखिए यहाँ पर हेडिंग 1 हमने दिया था, वैसे ही आप नीचे हेडिंग 2 दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दिया भी है लेकिन यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड पोजीशन यूज किया है, इसको मैं हटाता हूँ और हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर यूज करेंगे, ना कि बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ से इसे हटा लेता हूँ और अब हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर यूज करने वाले हैं, ना कि बैकग्राउंड पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए ये बैकग्राउंड कलर आ रहा है, यहाँ पे ले लिया हमने। अब जैसे मान लीजिए जो भी कलर आप लेना चाहें, बैकग्राउंड का कलर रेड देना चाहेंगे रेड आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से जाकर के, और अब यहाँ से जाकर के इसको सेव करना होगा, तो सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो नीचे हमने H2 दिया नहीं है। देखिए यहाँ पर H1 है, div है, पैराग्राफ है, लेकिन H2 नहीं है, तो H2 यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे H2, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी लिख देंगे, जो भी लिखेंगे वही जो है उसका बैकग्राउंड जो है रेड कलर का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ टिम TIM बर्नर्स BERNERS ली, ठीक है, ये लिख दिया। और अब इसको सेव करने की बारी है, तो यहां से जाकर के और सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। यहाँ देखिए सेव वाला ऑप्शन मिल जाता है आपको, फिर इसको रन कराना। तो यहां से जाकर के और यहाँ पर नीचे डिफॉल्ट ब्राउजर पे ओपन कर सकते हैं या अदर ब्राउजर पे भी जा सकते हैं। तो देखिए टिम बर्नर्स ली जो लिखा हुआ है वो H2 में यानी हेडिंग 2 में आया हुआ है और कुछ इस तरीके से। देखिए बैकग्राउंड किस कलर का है इसका, बैकग्राउंड जो है इसका रेड कलर का है। तो ये जो है इनलाइन स्टाइल शीट कहलाती है। उम्मीद करता हूँ कि पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर बैकग्राउंड बदलना चाहें तो आसानी से बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आए, ये रेड बैकग्राउंड है ना, इसको इस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करिएगा ये विंडो ओपन हो जाएगी RGB वाली। ये तभी ओपन होगी जब आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ से कलर बदल लीजिए, आपको जो भी कलर चाहिए, जैसे ये येलोइश कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा येलो टाइप में। और इसका कोड आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं ये कोड आ गया है। अब इसको सेव करिए, सेव नहीं करिएगा तो नहीं चलेगा, वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होंगे जो आपने अभी चेंजेस किए हैं। तो यहाँ से डिफॉल्ट ब्राउजर पे इसे ओपन कीजिए, देखिए ये कलर चेंज भी हो गया। तो आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कि ये इनलाइन स्टाइल शीट क्या है, कैसे यूज करना है और इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। इसमें और भी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं आप। तो आगे वीडियोस आती रहेंगी, तब तक के लिए आप वीडियोस देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।